याद है ना स्पीकर, स्क्रीनें भी चल सकती है, स्क्रीनें स्क्रीनों पे भी आ सकता है। हाँ जी, आखिरी स्टेज थी मेरी माँ की। हाँ जी, कैंसर लगा ना, चस्के नहीं मुकते, चस्के बड़े ने, ये चस्के है ना, इनके कब्रें बर्बाद करेंगी। और हाल से ओए जाओ खुदा के वास्ते, तुम्हें तो तुम तो फिरोंगे ना सारे चलते फिरते। यूं कसाई कट लगा देता है, वो एक चिकन होता है उसको टांगे यूं खुल जाती है, चीरे लगा देते, मसाले लगा देते, मेरा दिल करता है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। मी कैनत बिन अमीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट नाउ आई एम पाकिस्तान। तो जनाब कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, इतनी मोहब्बत इतना प्यार देने के लिए, और स्टिल इतनी सारी दुआएं जो मुझे मिल रही हैं मेरी मम्मा के लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जनाब इसके जो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो जनाब आज हम करेंगे बात, बात करेंगे क्यों, मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ, बैठ के आराम से आपसे बात करती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ और क्या नाम उसका, बस कंटिन्यू कोई ना कोई काम और सब कुछ, जो आपको पता है मैं किस रीजन से आई हूँ, तो बस उधर ही बिजी हूँ। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और आपसे बात करती हूँ, बात करना बड़ा जरूरी है। बात करना जरूरी होता है जिंदगी में, जब तक आप बात नहीं करते कभी जनाब मसलों के हल नहीं निकलते। बहरहाल कभी तो बातें करने के बाद बातें जाया भी हो जाती हैं। तो जनाब चलते हैं हम, आज ये नहीं कहूंगी ब्लॉग की तरफ, आज आप आराम से सुकून से बैठ के मेरे साथ बातें सुने, बातें यानी मेरी बातें सुने, होते हैं ब्लॉग की तरफ, नहीं ब्लॉग की तरफ नहीं, बात करते हैं। अच्छा जी, तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट व्लॉग पे इतना प्यार देने के लिए। और जनाब मैं तो खुद बहुत सालों बाद पाकिस्तान की गर्मियां देख रही हूँ और पाकिस्तान में ये आम देख रही थी, और मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन जो रीजन था वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मम्मा को लेके जाने के लिए, उनका माइंड चेंज करने के लिए, उन्हें रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि हमारी मम्मा को हम बता चुके हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या डिजीज है और वो किस चीज को फेस करने जा रहे हैं। क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी मम्मा की विल पावर से वो इस चीज को डील करें, क्योंकि जो एक पेशेंट है वो अपनी विल पावर से ही उसको हील कर सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट को पता हो कि वो किस चीज से फाइट कर रहा है। तो हमने अपनी मम्मा को जब ये बात बताई, और वो जो बताई वो तो हमने नहीं, यानी कि मैं नहीं शेयर कर सकी, वो तो हम लोग खुद भी बहुत ज्यादा उस रिएक्शन के लिए हम जरा वो थे, परेशान थे कि क्या रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अल्लाह पाक का मैं कहती हूँ करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपने परवरदिगार की पाक जात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बयान ही नहीं कर सकती अल्फाजों में कि माशाल्लाह माशाल्लाह, मम्मा ने इतने ब्रेवली रिएक्ट किया और मम्मा ने इतने जबरदस्त तरीके से, मम्मा ने क्या नाम उसका, उसको यानी कि आप यही कह सकते हैं कि डाइजेस्ट करना, मीन्स के जिस इंसान को खुद पता हो कि उसको क्या बीमारी, चाहे बीमारी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन इंसान अगर उसको हौसले से ले तो वो उसको खुद ही भगा देता है, उसको भगा भगू देता है, चलो भी निकलो शिकलो ये वो ना, क्योंकि उसकी विल पावर होना बहुत जरूरी होती है। तो मेरी यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट इसलिए करूंगी कि मेरे खुद देखा है ऐसे लोगों को, जो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई डिजीज हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, वो पेरेंट्स को, ये पेरेंट्स या कोई भी फर्द, यानी मैं तो पेरेंट्स, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा कि मेरी मम्मा को जो हुआ, तो मैं कोई भी यानी कि जो हो ना उससे उसको नहीं बता पाते, क्योंकि ये ना हो उससे वो, क्योंकि ना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप यकीन रखें अल्लाह पाक की पाक जात पे, सबसे पहले आपका यकीन होना चाहिए इस बात पे कि जो आप बात करने जा रहे हैं उसका हौसला हिम्मत उसका सब्र, क्योंकि अल्लाह अगर तकलीफ देता है ना, बस एक बात जहन में रखें, ये सबसे बड़ी बात यही है कि जब अल्लाह आपको तकलीफ देता है, अल्लाह आपको आजमाने लगता है ना, या अल्लाह आपके ऊपर कोई परेशानी लेकर आता है ना, उससे पहले उसको अल्लाह पाक सब्र उतार देता है उसके दिल में, उस सब्र उतार, अगर आपके दिल में ये यकीन होगा ना कि अल्लाह ने आपके लिए सब्र उतार दिया है इसके लिए, तो आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं। तो हमने ये इस चीज से, क्योंकि अल्लाह माफी जहालत तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने सबसे पहले अपनी मम्मा से, जब हमें पता लग गया था ये, जबकि मम्मा जब हॉस्पिटल में जाने वाले थे, जैसे कि हेपेटाइटिस का जो हमने देखा कि मम्मा गए हैं, उससे एक दिन पहले ही, हम 2 दिन पहले ही हमें पता लग गया था कि मम्मा को कैंसर डायग्नोज हो गया हुआ है। तो हमने मम्मा को फिर यही सोचा था सबने कि हम बताएंगे, हम बात करेंगे और वो अपने लिए दुआ करें और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब उनको पता होगा तो वो किस तरह से अपनी विल पावर से उससे फाइट कर सकते हैं। और ये होता है कि समटाइम अगर मिडल में पता लग जाए तो खुदा ना खासा मरीज़ उठ ही नहीं पाता। तो हमने कोशिश की कि हम अपनी मम्मा को बताएं, और उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स किया, और फिर उसके बाद से फिर हमने कहा कि चलिए उनको लेके घूमते हैं, उनको सैर करवाते हैं, उनको रिलैक्स रखते हैं, उनको उनकी मर्जी की, जो उनको आम बहुत पसंद है, आम क्या, उनको फ्रूट ही बहुत पसंद है, वो खाना नहीं खाती, जबकि वे एक पंजाबी मॉम है, पंजाबी माँ है मेरी। मम्मा ना इस टाइप की हैं थोड़ी सी ना,
हमारी मम्मा को मिर्चें खाने निहारियां पाए ये नहीं पसंद, लाहौर की रहने वाली पैदा ही वहां हुई है उनको नहीं पसंद, वो हमारी मम्मा जो है ना वो बड़ी वो है तो उनको ना बस फ्रूट पसंद है, तो हमने कहा चले भी सब फ्रूट में सबसे ज्यादा उनको मैंगो पसंद है और पाकिस्तान के मैंगो तो पूरी दुनिया को पसंद है और मुझे भी लगा बहाना, मैंने कहा मैं भी खाती हूँ आम, लेते हैं आम और मजे से खाते हैं। तो जनाब अच्छा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कहीं घबराना नहीं है आपने अच्छा घबराना नहीं, तो मुझे इमरान खान याद आ जाता है, आम लोगों को तो वैसी आदत पड़ गई हुई है, जो लाहौर से पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं उनको आदत पड़ गई है, वो घबरा नहीं रहे बेचारे बड़े बहादुर लोग हैं वो घबरा नहीं रहे तो आपने घबराना नहीं है, आपने आराम से सुनना है अच्छे से, मैं आज बातें करने आई हूँ और बातें करने का मूड है मेरा, मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ आपसे बात करती हूँ, लोग आ रहे हैं और ये सब कुछ आ रहे हैं, और मैंने जो लास्ट पे वो जो टाइटल दिया था ना वो टाइटल को मैं बताने आई हूँ डिटेल से, वो इसलिए कि आप जो मेरे इतने प्यारे से व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो इतना लाइक करते हैं, जो इतना कमेंट्स करते हैं, जो पूछते हैं, जो फिक्रमंद है मेरे लिए, मेरी माँ बाप के लिए, मेरी फैमिलीज के लिए फिक्रमंद है, मैं उनके लिए बात करने आई हूँ, मैं उनको बताने आई हूँ कि अब मैं आधी अधूरी बात तो नहीं छोड़ सकती, व्लॉग में मैंने बात की थी कि जनाब इस तरह कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं कि मेरी मम्मा को जनाब कैंसर हो गया है, हाँ जी कैंसर हो गया, अब वो जनाब वो क्या उसका मर मुर जाएंगी, अच्छा जी ठीक हो गया ना, क्योंकि कैंसर का लफ्ज़ है और साथ उन्होंने कैंसर और मरना यानी कि उन्होंने कह दिया अब तो फिनिश हो गई ना स्टोरी, अच्छा जी मैं ये बात वहां पर जब मैंने कहा कि वो लोग तो बहुत, जब मैं फीस जमा कराने गई थी फ्रूक हॉस्पिटल में जब मैं खड़ी हुई थी तो मैंने वहां पर ये बात इसलिए कही कि देख लो तुम लोग, यानी कि एक टाइटल थोड़ा था कि जरा रेडी रहना मेरा अगला जो वीडियो आएगी व्लॉग आएगा उसमें मैं बात करूंगी डिटेल के साथ, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ ये बात करती हूँ ताकि आप तो इतनी फिक्रमंद हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टिन्यू मुझे अभी तक मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि अब कंडीशन कैसी है, अब कंडीशन कैसी है, अब कैसी आपकी मम्मा, अब कैसी तबीयत है, हम दुआ कर रहे हैं उनके लिए, तो मैं आपका वंस अगेन बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं सबसे बड़ी बात मैं आपसे यहाँ पर करती हूँ ये बात कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ कि ये जो लोग होते हैं ना वो गैर नहीं होते, वो आपके अपने ही होते हैं, गैरों बेचारों को क्या बेचारों को तकलीफ है कि वो आपके लिए ही तकलीफें बनाए, गैर आपके अपने हो जाते हैं मगर अपने आपके गैर होते हैं, तो जनाब हमारे अपने ही हैं, हमारे अपनों में से भी बहुत ही अपने हैं, इतने कपने मैं क्या बताऊँ आपको कितने कपने हैं वो हमारे, लेकिन देखे इतने अपने, लेकिन मैं आपको हमेशा मेरे हर ब्लॉग में मैं ये कहती हूँ कि पॉजिटिव रहें पॉजिटिव रहें, आप देखते हैं मुझे कि पॉजिटिव रहें, कायनात यही बात करती है पॉजिटिव रहें जिंदगी में, जिंदगी में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आप हर एक मसले का हल ढूंढ लेंगे, हर एक परेशानी से निकलने की आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो दुनिया की कोई भी परेशानी तकलीफ कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती, बस मेन चीज है लोगों का तोड़ना, और वो तोड़ना चाहते हैं कि आप टूटे, और टूटे के बाद आप वो आपको समेटने थोड़ी आएंगे, वो समेटने नहीं आते वो समेटने नहीं आते, वो तो वो क्या नाम है इसका ना, वो तो खुद वो तोड़ के खुश होते हैं, तो उनमें से ही लोग हैं इतने क्लोज, मैं आपको बता रही हूँ नाम मैं उनको यहाँ नहीं ले सकती क्योंकि अच्छा नहीं है, लेकिन उनको भी क्योंकि वो भी देख रहे हैं वो लोग, तो मैं यहाँ बात करूँगी, उन्होंने जनाब एक ऑडियो बनाई, ऑडियो बना के किसी हमारे को जनाब सेंड की, सेंड करके कहा उसको, अब मैं उन दोनों लोगों का नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं आपको बात तो पूरी बतानी है, जाहिर है जनाब ऑडियो की, ऑडियो करके कह रहे हैं जी आपकी एक्स सास, अच्छा जी पहले तो मैं यहाँ पर वो छोटी छोटी बातें जो कि क्लियर होंगी वो मैं ये बता दूँ कि जो एक्स होते हैं ना वो सबसे पहले एक्स कहाँ लगते हैं, वो बेचारी जिन्होंने ये बात की ना वो पढ़े लिखी नहीं है बेचारियाँ, ना दीन पता ना दुनिया पता उन्हें, ना दीन में पढ़ा उन्होंने यानी कि दुनियावी तालीम भी कोई हासिल नहीं की, FA BA एमए मैट्रिक कुछ भी नहीं किया, अब दीन नहीं दुनिया नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं दीन ही पढ़ लेते, दुनिया ना ना पढ़ो तो कोई फायदा नहीं, कोई यानी कि सॉरी फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने दुनिया नहीं पढ़ी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने दीन पढ़ लिया ना, कुरान पढ़ लिया ना, अल्लाह रसूल को समझ लिया ना, दीन को समझ लिया ना, आप अल्लाह क्या कह रहे हैं आपका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं आपके क्या हो रहा है आपके दिन में दिन क्या कह रहा है, अगर आपने वो समझ लिया ना तो इनफ है जिंदगी गुजारने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए इनफ है आपके लिए, मैं कहती हूँ आखिरत भी सवर जाएगी दुनिया भी सवर जाएगी अगर आपने दीन पढ़ लिया, डिग्रियां लेने से कोई वो नहीं है, डिग्रियां नहीं है कोई मसला नहीं है, दुनियावी ना पढ़ो मगर दीन पढ़ लो, मैं ये कहती हूँ, मैं इस पे 100 नहीं मैं 100% एग्री करती हूँ इस बात पे कि आपको जिंदगी का शऊर कुरान नमाज सिखाता है और आखिरत भी सवर जाती है, आपको हर चीज पता लग जाती है। अब उन्होंने जनाब बोल दिया एक्स, पहली बात तो मैं उनको ये बता दूं एक्स वहां लगता है बेटा जहां पर एक चीज के ऊपर एक चीज आ जाए, अगर एक्स हस्बैंड होगा ना तो एक्स एक हस्बैंड से छूटे हैं तो अगले से जुड़े हैं तो वो एक्स बन जाएगा पहले वाला,
एक्स वाइफ होती है तो एक्स जहां यूज होता है ना वहां पे एक के ऊपर एक आ जाए तो एक्स बनता है। समझ लग रही ना बात की? तो पहले तो आपका एक्स क्लियर कर दूं ना, तुम जो एक्स वाई जेड हो ना, तुम्हारा एक्स नहीं सही, एक्स जरा सही जगह लगाना। बातें करने का बड़ा तरीका तो थोड़ा सा वो, ये ना पता क्या हुआ मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जो स्टार प्लस देख के ना, रमोला देख के ना, बचपन से स्टार प्लस देखा है इन्होंने। एक स्टार प्लस होता था इंडिया का चैनल, उस पर रमोला का एक करेक्टर था, बहुत पुरानी मैं बात कर रही हूँ, हम लोग भी इनके घर जाते होते थे तो वहां देखते थे, क्योंकि हमारे घरों में ये डिशे केबलें नहीं होती थी तो इनके घरों में लगी हुई होती थी। पहले तो केबलों से पहले डिशे लगी ना, खैर तो इनके घरों में लगी होती थी तो ये स्टार प्लस देखते होते थे। तो उसमें ना एक ड्रामे का नाम था, ए सास, पता नहीं सास भी बहू थी, पता नहीं स्टार प्लस का ड्रामा था, उसमें एक करेक्टर था रमोला। वो रमोला जो करेक्टर है ना, वो खुद ही सोचता रहता होता था, वो करेक्टर थे नेगेटिव, वो अच्छा उसने ऐसे कर दिया होगा, अच्छा उसने यूं कर दिया होगा, अच्छा उसने ऐसे किया होगा, अच्छा वो ये वो सोच रही होगी मेरे बारे में, अच्छा उसने तो ना ऐसे की करना है और ऐसे हो गया होगा। यानी कि ये ग्रो अप हुए हैं उस रमोला को देख के। अब इनका कसूर कोई नहीं है, क्योंकि रमोला देखी है, नेगेटिव करेक्टर देखे हैं और वो सब कुछ ही देखा, तो फिर वो यही होगा ना। पहली बात तो ये कि एक्स तो वो भी है नहीं, और दूसरी बात ये कैंसर का नाम सुनते साथ ही समझ गया कि आखिरी स्टेज है। आखिरी स्टेज भी नहीं है बेटा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। एक बात यहां पर क्लियर कर लो, तुम लोगों को बताने का तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं अपने नाजरीन और हाजरीन को, अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि ये बात अगर मैंने आप तक पहुंचाई है तो इसको कंप्लीट करने आई हूं मैं। तुम लोगों को तो अक्ल आनी नहीं है, ना ही है, ना ही आनी है। बहरहाल जो जिंदगी और मौत है ना, वो अल्लाह के हाथ में है। मैं बैठे बैठे अभी भी मर जाऊंगी ना, तो मैं बिना कैंसर के मर गई हैं, बिना कैंसर के। मैं कहती हूँ कोई भी बीमारी, कैंसर तो अभी मेन बन गया ना, क्योंकि वो मेरी माँ को जो हो गया था, वो मेरी माँ को हुआ, तो इसलिए तो मैं इस कैंसर का ही नाम लूंगी, तुम्हारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी मेरी बातें समझने के लिए। तो बिना कैंसर के भी लोग मर जाते हैं, चुप चुप ही चले जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लोग, हाई ब्लड प्रेशर के लोग जो बीपी लो से मर जाए, चुप करके ही मर जाए, अपने दफना के दूसरों के लिए मरने की तुम लोग दुआएं करते हो, मरने पे मरने की तुम उसकी खुशियां मनाते हो, थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ा सा ख्याल कर लो। अपने हाथों से दफनाए इन्होंने, आपको बताऊं मैं, जिनकी मैं बात करी उन्होंने अपने हाथों से दफनाए हैं, खामोशी में निकल गए, पता ही नहीं लगा। खैर बहरहाल जहलों का टोला है, क्या कर सकते हैं बंदा। इन जैसे लोग होते हैं जो क्या नाम है इसका ना, लोगों को समझते हैं कि आखिरी स्टेज थी मेरी माँ की, हाँ जी कैंसर लगा ना, वो समझिए कैंसर में बस ये स्टेज होती है, आखिरी में पता लगा अब मर जाएगी माई। अच्छा जी ठीक है, मरी मुरी तो बहरहाल, अब ये तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इतना सा बच्चा भी पैदा करो तो मर जाता है, माँ 9 महीने पेट में रखती है, पता नहीं लगता मर जाता है, खड़े खड़े बंदा मर जाता है, पता नहीं लगता। अच्छा इनमें ये बात भी बहुत है, ये देखिए अब जहालत का ऐसा जबरदस्त तरीका कार मैं आपको बताती हूँ इन्होंने अपनाया हुआ है, कि अगर किसी को बीमारी लगती है ना तो कहते हैं लगता है ये ना गुनाहों की सजा मिल गई है। नो तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह ने इसको इसके गुनाहों की सजा दी? तुम कौन होते हो ये पूछने और बताने वाले? पहले तो ये बात बताओ मुझे, तुम्हें इतना इल्म है, इतना दीन है तुम्हारे पास? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि ये तो बड़ी अच्छी मौत मर गया, जो कि ना मैं इसके एक ही ऐसे फोत हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कैसे कह सकते हो कि ये, इसे तो कलमा भी पढ़ना भी पढ़ने की मुल्लत नहीं मिली और फोत हो गया, कैसे कैसे तो ये जन्नती है। तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि जो मरा वो अपनी सजाओं, जिस जो बीमारी लगी अपनी सजाओं में, अगर उसी बीमारी में मर गया तो अपनी गुनाह की उसको सजा मिली और वो मर गया। यानी कि नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला करके कहती हूँ, ये दुनिया में ऐसे जाहिल लोग हैं, ऐसे जाहिल लोग हैं जो लोगों का, पहले तो लोगों को ऐसे यानी कि खुद ही जज कर लेते हैं। वो पता क्या क्यों कर लेते हैं जन, मैं बताती हूँ। ऐसे जो खानदानों में ना कुछ जो बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग होते हैं ना, जो बहुत ही कुछ खान, हमें हर एक खानदान में है, हर एक दुनिया के हर एक खानदान में बदतमीज लोग पाए जाते हैं। खानदानों में जो बहुत बदतमीज और मुंह तोड़ के जवाब देने वाले होते ना, वो कहते ना मैं जो ओदी गल नहीं सुनी, उन्हें एक किया मैं दस, मैं तो ओदे मुंह ते उन्हें नंगा करके आ गया, मैं तो उन्हें उत्थे ही बैठा दिता है, उन्हें मेरी गल सुनी उदा तो मुंह ही खुला रह गया। फिर ऐसे जो जाहिल लोग होते हैं ना, जो अपनी जहालत को दलीरी बना बना के लोगों को महफिलों में सुना रहे होते हैं ना, महफिल में सुना रहे होते हैं, उन जाहिलों में से ना कुछ अगर थोड़ा सा कमजोर जाहिल होगा ना, जो वो मुंह पे जवाब देके नहीं आने वाला होगा, उस जाहिलों में से कुछ एक बहादुर जो बहुत ही बदतमीज होगा ना, जो टॉप वाला बदतमीज होगा, यानी कि एक होगा 100% बदतमीज, एक होगा 85%, और एक होगा क्या नाम इसका 70%, और एक होगा 60%। जो 100 वाला है ना उसको चौधरी बना देते उसको बना देते चौधरी, ला भी तू हो गया चौधरी, तू हो गई है चौधरन, तो चल भाई हूं तू चलाना पूरे खानदान का, तू हिसाब किताब लाना है,
कौन सही है कौन गलत है, कौन कहना मैं इसका डूब गया है कौन मर गया है, केरी तू अग च कुदना है तेनू केरी अग च तू नहीं कुदना है जी। तो जनाब वो जब आग में कूद जाते हैं भी कूद जाते किसी के भी, कोई नता नहीं कौन क्या कर रहा है, किन सर्कमस्टांसिस में जिंदगी जी रहा है, क्या वो फेस कर रहा है, किस तरह से कंडीशन है, क्या सब कुछ है, कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता। बस यूं करके आते हैं कूदते हैं, कूद के वहां पे गंद मारते हैं, गंद मार के वापस निकल जाते हैं। नहीं पता जहां पे तुम गंद मार के जा रहे हो वो तुम सराउंडिंग तो चेक कर लो, तुम उन लोगों का तो पूछ लो, नाउज बिल्ला तुम लोगों को इतना भी खता नहीं है कि अल्लाह पाक ने क्या कहा है। आंखों से देख लो कानों से सुन लो तब भी उसके ऊपर तुम्हें विटनेस चाहिए, आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी तुम लोगों को, और तुम लोग सुनी तुम ना वहां मौके पे मौजूद होते हो, ना तुमने आंखों से देखा होता है ना तुमने कानों से सुना होता है, तुम लोगों ने वहां पे फतवे जारी कर देने होते हैं। लै भी हूं इंज होना चाहिए, और उनको फिर तुम छज में डाल के ना, पाक वो पंजाबी का एक छज होता है जिसमें यूं गंदों में ऐसे चावल और वो करते हैं ना, उस छज में डाल के तुम छाड़ देते क्योंकि वो जाहिल होते हैं ना। अब वो जो बेचारा जो समझदार होता है चुप होता है साबर होता है, और वो जो बेचारा बोल नहीं रहा होता जो कमजोर होता है, जो बेचारा थोड़ा सा माड़ा होता है, माड़ा मतलब कि जो गरीब, जो बेचारा गरीब भी इस में सेंस में नहीं बोलूंगी, जो गरीबी उसकी यहाँ की, वो बेचारा नहीं लड़ पा रहा, उसमें ताकत नहीं लड़ने की तुम लोगों से, तुम लोगों की जहालत से लड़ने की ताकत ही नहीं है। कहते हैं कि अक्लमंद बेवकूफ दोस्त है ना, बेवकूफ दोस्त है ना अक्लमंद दुश्मन बेहतर। अब कहते हैं जाहिल के साथ मुंह लगने से बेहतर है कि चुप इख्तियार कर लो या दीवार में सर मार लो। अब ये समझते हैं असी तो उसका मुंह तोड़िया, असी तो उन्हें नंगा कर दिता है, असी तो उन्हें छत च पा के छट दिता है ते ओ दे बोलिया ही नहीं, वो बेशर्मो, वो अपनी तरबियत के खातिर नहीं बोला, वो अपने मैनर्स की वजह से नहीं बोला, वो तुम्हारा लिहाज कर गया, वो तुम्हें तुम्हारा लिहाज कर गया, तुम्हें लिहाज में तुम्हारे चुप कर गया वो बेचारा, तो तुम उसको अपना फखरमंदी समझ रहे हैं। तो करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिलेगा बात करेंगे, लेकिन नहीं, कहते जब अपने में बात आ जाए इंसान बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जब अपनों में बात आती है वो भी स्पेशल मेरे माँ बाप पे, वो चिकन देखा ना आप लोगों ने, वो जो बटरफ्लाई चिकन बनाते हैं जिसको यूं यूं कसाई कट लगा देता है, वो एक चिकन होता है उसको टांगे यूं खुल जाती है, चीरे लगा देते हैं मसाले लगा देते हैं, मेरा दिल करता है ऐसे चीरे लगा दूं और काट दूं बीच में से, मेरी माँ के ऊपर बात की है, मेरी माँ के ऊपर तरबियत है ना। मैं मौलवी का खून हूँ, मौलवी का खून हूँ मैं, एक हम लोगों को मौलवी का खून हूँ मैं, बड़ी तहजीब बड़ी इज्जत बड़े ही हमें वक़ार के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े ही नाजों से और बड़े ही इखलाक से और बड़े ही जैसे कहते हैं ना एक ग्रेस से पाला है हमारे माँ बाप ने। बोलना नहीं बेटा, सब्र करना है, चुप करना, भड़े के आगे नहीं बोलना, कोई आपको कुछ भी कह दे चुप रहना, खामोशी इख्तियार करनी, वो देख रहा ऊपर बैठा, वो देख रहा ऊपर बैठा, वो देख रहा ऊपर बैठा, सब्र करना है। तुम लोगों ने जो निज़ाम एक नीचे चलाया हुआ है ना, जो तुम लोग नीचे रमोला बनी हुई है और नीचे जो तुम लोगों ने निज़ाम चलाया, और जो नहीं सकता वो फिरौन भी था उसने भी एक निज़ाम चलाया हुआ था, वो ऊपर भी एक निज़ाम चल रहा है, ऊपर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नीचे नहीं ऊपर होगी मुलाकात, ऊपर हिसाब किताब करेंगे क्लियर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक सब पता लग रहा बेटा, खामोश है तो तरबियत की वजह से, ये जो तरबियत है ना माँ बाप की ये बोल नहीं देती। मेरे माँ बाप ने हाथ जोड़ते हैं कि बेटा अपने घर की हो गई हो कोई बात नहीं, हमारा बुढ़ापा है हम चुप करके ऐसे गुजार लेंगे, इनके मुंह पे कहते हैं माशरे के मुंह पे उंगली नहीं रखी जा सकती। आप ये दौर आ गया है, आप वो कहते हैं ना अब किसी कुत्ते को, वो शेर होता है ना, मैं आपको बात बताती हूँ, जो कुत्ता होता है ना कुत्ता, अब वो कुत्ते को अगर आपने ऊपर कुत्ते के माथे पे अगर हमने शेर लिख दिया है तो शेर बन जाएगा आपको क्या लग रहा है शेर बन जाएगा? देखने वाले को पता है कि कुत्ता आ रहा है डोगी आ रहा है, आपको लग रहा नहीं मैं तो शेर हाँ जी मैं तो शेर नहीं हाँ जी, कर लो फिर तुसी जो करना। ओए तुम्हें दीन ने इतना भी नहीं बताया, तुम्हें कोई इखलाक ही नहीं है, जानमास पे खड़े होते अल्लाह अकबर करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जलील कर रहे हैं अज सारे मैं जलील कर रही हूँ अज सारे अर्रहमान इर्रहीम, तू मैं अल्लाह पाक इन्नी ज्यादा ताकत दे दी है कि मैं लोगों को इतना जलील कर रही हूँ, रहमान और रहीम तो मैं नहीं मतलब पता, क्या पढ़े या सीनों पे हाथ रख के हैं क्या पढ़े? ओ भाई यार तुम लोगों के पेट की पैदा हो पे तुम्हें यकीन नहीं है, हैं
5 साल के रिश्ते को तुमने जरब दे दिया 45-50 साल से। ओए जाओ खुदा के वास्ते, तुम्हें तो तुम तो फिरौन हो सारे चलते फिरते, और तुम तो फिरौन हो सारे। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। मैं कहती हूँ ऐसी जहालत किसी को ना दे, और ऐसी गंदी बहादुरी किसी को ना दे, ऐसी गंदी बहादुरी ना दे अल्लाह किसी को। अल्लाह तहजीब में, इखलाक में, कहते हैं इबादत, नमाजें इकट्ठी करके ले जाओगे ना एक तोड़े में, नमाज इकट्ठी करके ले जाओगे ना तोड़े में, तो एक तरफ तुम्हारा तराजू बद इखलाकी का, जुबान का, ये जुबान का बद इखलाक जो होगा ना, जरबे हैं बेटा, क्रॉस है सारे। तुम्हें क्या लगता है जुबान नहीं हमारे मुंह में, आंखें नहीं हमारी, कान नहीं हमारे, और मौलवी अनायत का खून है ये, शर्मों वाला, इज्जतों वाला, लिहाजों वाला, ये खून का तो मैं कहती हूँ मैं क्या बताऊँ। मैं तो इस खून की खुद ही बड़ी इज्जत करती हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे मेरे परदादा, मैं कहती हूँ इतने लिहाज वाले लोग, मैं क्या बताऊँ। एक जॉइंट हमारा कारोबार है आज तक 2023 में, मोतीचूर, एक जॉइंट, चार भाई एक दुकान पे जाते हैं। मैं कहती हूँ आंखें नीचे होती, एक भाई जब शिफ्ट पूरी करके निकलता है तो दूसरा बैठता है, आंखें नीचे, नफा नुकसान जो हो रहा है, क्या हो रहा है, भाइयों ने डायरियों पे लिखना है, जुबान और आंखें नहीं खोलते, भाई को भाई नजरें मिला के नहीं कह सकता 500 पिया इहदे च, बाकी कित्थे गए पैसे, कोई डंडी नहीं। ये ऐसे अपने, ये होशियार लोग पता कहते हैं, हमें लोग पता कहते हैं वो पागल है कहने आते, सीधे साधे समझदार जो चुप और लिहाज में। और दुनिया ये एक जगह है, ये एक दुनिया जो है ना, ये दुनिया है ना, ये मुकम्मल जहान नहीं है। आगे जाने की तैयारी करनी है, आगे जाने ही जाना है, सबने जाना है, काफर ने भी मरना है और कहने में इसके ईमान वाले ने भी मरना है, यहां नहीं बैठे रहना। तुम लोग तो हाथों से दफनाने के बाद भी, जनाजे तुम्हारे से घरों से उठने के बाद भी तुम्हारी कबला सीधा ना हुआ तो तुम्हें कोई सीधा ही नहीं कर सकता, तुम्हारे तो किबले ही ना सीधे हुए। कहते हैं जिस घर में एक मौत हो जाए ना, एक मौत हो जाए, वहां सबकी किबले ठीक होने के लिए एक मौत ही काफी है। और तो तुम लोगों को तो किबले ही ना सीधे हुए, तुम लोगों को तो जुबान ही तुम्हारी कंट्रोलों में नहीं है, तुमने तो दिल दुखाए हैं, तुमने तो इतने दिल दुखाए हैं लोगों के, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। तुम लोगों ने तो, तुम्हारा तो कोई जवाब, ये मैं नहीं बता सकती, मेरे पर मैं लिस्टे खोलने लगी हैरान रह जाऊं। मेरे भाई को 5,000 का एक, जैसे अब मेरा भाई इमरजेंसी में था, 29 साल का मेरे भाई का रोड में एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा बाप और सब इमरजेंसी में जो हालात होते हैं, जेब में कितना पैसा मेरे बाप के है नहीं है, होश उड़े हुए मेरे बाप के, मेरा बाप पागल हुआ हुआ था, मेरे भाई पागल हुए हुए थे, मेरे पागल हुए हुए थे। उसमें पता नहीं उस बुजुर्ग बेचारे, मेरे बाप की जेब में पैसा था, उसका जवान बेटा मर रहा था उस वक्त, किसी एक आदमी ने मेरे खानदान में से, मेरे खानदान में से 5,000 की ड्रिप मंगवा दी, अल्लाह जाने 5 की मंगवाई, 6 की मंगवाई, ड्रिप मंगवा दी। जब भाई का चेलम भी नहीं आया था, 40 दिन भी नहीं हुए थे, तो कहते थे 5,000 दे दो तुसी वापस, तुसी ले आसी उस वेले। शर्म करोड़ो, शर्म करो, करोड़ों अरबों के तुम मालिक बने फिरते हो, हैं दिल तुम्हारा, तुम दिल तुम्हारा है ही नहीं अंदर। जवान बाप का मेरा बेटा मर गया, उसका उससे 5,000 मांग रहे वापस कर दो तुसी लिता सी फिर कहते हैं असी तुहाडे अपने हाँ, ओए माफ़ी दवो, तुसी साडे अपने हो, माफ़ी दो सानू, तुहाडी मेहरबानी, माफ़ करो सानू, पिछा छड्डो, उत्ते मुलाकात होनी है, ऐ तुहानू मैं दस दवा, उत्ते बड़ी जबरदस्त मुलाकात करनी है मैं तुहाडे नाल, जान नहीं मैं देना तुहानू, लै जाओ जिन्नियां नमाज़ां तुसी जानी है लै जाओ, उत्ते ही होनी मुलाकात, नमाजा भी लै जाओ, सारा कुछ लै जाओ, ए जुबान नहीं जान देगी, मैं तुहानू दस दवा एक गल, जुबान है ना ए नहीं जान देगी तुहानू, कोई गल नहीं, दिल दुखाना, मुसलमान कोई किसी का दिल नहीं दुखा सकता, मामलात यहीं तय हों, मामलात यहीं क्लियर हों। मुझे कहती है एक और मजे की बात बताती है, उस ऑडियो के अंदर एक और मजे की बात, जहां पर बताया गया कि आपकी एक्स जो सास है ना, उनको होगी आखिरी स्टेज, वो लगी है मरने और हंस रहे अंदर, हंस रहे अंदर, ऑडियो में सुन रही, हंस रहे, ऑडियो मेरे पास है, हंस रहे हैं, ठीक है ना, हंस रहे अंदर से, और ऊपर से कहती वो जो कोने कुदरे से आई है ना, मैं ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि मैं तो अब जाहिर है मेरी तो फैमिली है यहाँ पर, मेरे चार बच्चे, मेरा एक सिस्टम है, एक सब कुछ है, मैं यहाँ से तो आए दिन नहीं जा सकती, और मैं अपनी माँ के घर आए दिन बैठी रहूँ, मुझे तो वो अल्लाह, मुझे तो मेरी माँ ने वो शौक नहीं डाले कि तू आए दिन मेरे घर ही आना, मेरी माँ ने मुझे वो शौक नहीं डाले, माँ दे बूए दे नाल ही बह जाना, दुनिया घूम के आ जाओ, तुसी स्विट्जरलैंड तुसी घूम के आ जाओ, आई माँ दे घर का चक्कर नहीं लगिया ना, रोटी नहीं हजम हुई, मैं वो नहीं हाँ, तो मैं कौन हूँ, खुदरों नहीं गई सी, जिथों मैं गई है ना, मेरे जान दी ते मेरे आन दी टिकट ही तेनू मान नहीं है,
तू कहेगी मैं कोई अपनी सारी जिंदगी से पैसे जोड़ के ना टिकटों में प्लाट ही ना ले लवा। मैं कोनो कुदरों नहीं गई थी, तेन की हूं मैं जोग्राफिया समझावा, तो तेन मैं की हूं समझावा, तेन की पता है बर्रे आजम आस्ट्रेलिया, समझ लग रही है तेन ना नक्शे का पता ना तेन मैप का पता, मैं की दसा। वो कहते ना जहल नाल गल करो तो मत्था मार लो दीवार च, तो तू पूरा नहीं कोई कर सकता। फरौन नू इत्थे किसी ने नहीं हाथ पाया, उन्होंने तो अल्लाह ने हाथ पाया, तुम्हें भी अल्लाह ने हाथ पाना इंशाअल्लाह ताला। इन्ना वड्डा इन्ना जबरदस्त हाथ पैना लग पते जाने तुम। वो 5,000 रुपया मंगते हो, वो करोड़ो तुसी एसी गनवाते, तो तुहाडी तुहाडी उंगलियां नहीं रुकदी। आओ वेखो इन्ना एसी लगा घर च, शर्म करो थोड़ी, शर्म करो, शर्म करो, इत्थे रह जाना सारा कुछ, जाना तुसी भी है, समझ लगी, कोई नहीं बचे इत्थों, जाना सबने है, जाना कबर दे रस्ते ही है, जाना कबर दे रस्ते ही है। कोई फ्लैटा नहीं अलग अलग निकलनियाँ, ए जा रही है इन्हों जहाज से, ए जा रहा इन्हों जहाज, जाना कबर दे रस्ते ही है। कबर सीधिया करो, नमाजा पढ़न लगे हो ढेरों ढेर नमाजा पढ़ लो गे, पहले तुसी दिल ते सीने साफ करो, अग किसी की कुद जाते तुसी, और तुहानू की लेना देना। मगर नहीं चस्के 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 नहीं मुकते, चस्के बड़े ने ये, चस्के है ना इंजे कबरे बर्बाद करेंगी, और हो रही है करो सानू की साड़ी जुत्ती नू असी तुत्ते ही मिलना हूँ, सही है ना। तो ये ऑडियो आई थी मेरी माँ के लिए, तो जनाब वीडियो ऑडियो होगी बड़ी लंबी, वीडियो सॉरी मैं ऑडियो बोल रही, वीडियो होगी बड़ी लंबी। ये ऑडियो आई थी कि मेरी जिसको ऑडियो की थी वो उसकी सास लगती है ना, मेरी माँ उसकी सास है, तुम्हारी एक्स सास को कैंसर हो गया, आखिरी स्टेज है, और चले जाओ मिलने के लिए, और ना क्या बोलते हैं उसको, मैं गई हूँ कोने खुदरे से और आके इकट्ठी हो गई हैं। तूने बोला पता नहीं लगा हमें तूने बोला पता नहीं लगा, हाथों में पैदा हुए हुए। अच्छा वो अपनी तेरी माँ के साथ हमारा जो रिलेशन था वो इतना पाक और पकीज़ा और इज्जत वाली वो औरत थी, बड़े शर्मे वाले भाइयों की बहन थी वो, बड़े शर्मों वाले ख़ानदान से वो आई थी, तो मैं कोई ना सीधा कर सका बरहाल। खैर मैसेज तो कर दिया क्लियर, ठीक है ना, स्पीकरों पे चली थी, स्क्रीनों पे भी चल सकती है, बड़ा मटेरियल है, सुनने लगी ना बात समझ, स्पीकरों पे चली थी, स्पीकर याद है ना, स्पीकरों पे चला था कुछ एलसीडी पे भी चल सकता है, ठीक है ना, बड़ा मटेरियल है, हाथ आराम से डालना और तुसी नहीं सीधे होना, तुसी नहीं सीधे होना, वो करेगा उत्ते, वो बैठा एक बारी खिंचदा है बस, फिर एक बारी खिंचदा लगपते जाते, पता है ना। मैंने कहा था मैसेज जैसा क्लियर दूंगी ना दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे, एक चुप तो सौ सुख, दुनिया नहीं पता, दीन भी नहीं पता, इखलाक वालियां दा नहीं पता, चुप रहन वालियां दा नहीं पता, शर्मा वाले अखा नीचा करके आराम नाल गुजर जाते ने, तुहानू उन्हां दा लिहाज भी नहीं मारदा, मर जाए कोई कोई मर जाए तो कहते हैं कि नाउज बिल्ला, मैं कहती हूँ ये लोगों की तो छातियों पे, मैं कहती हूँ ऐसे वो, मेरी माँ तो अच्छा, मेरी माँ को जिंदगी मौत अल्लाह ने देनी है, मेरी माँ की जिंदगी मौत अल्लाह ने लेनी है, अगर इलाज के बाद भी खुदा ना खासा मरती है तो वो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो पढ़ना इधर ही पढ़े, पढ़े तो सही, मुलाकात ऊपर ही करनी है, ठीक है ना। तो मेरा मैसेज क्लियर कट है बिल्कुल, स्पीकर चले थे याद है ना, स्पीकर, स्क्रीनें भी चल सकती है, स्क्रीनें, स्क्रीनों पे भी आ सकता है, एंज एंज एंज, समझ लग रही है ना, इजी नहीं लेना बेटा, जितने हाथ पाना ना तुसी अपने रस्ते असी अपने रस्ते, तुहाडा काम हो गया साडा भी हो गया, क्लियर करो, तुसी हुन छेड़े हो सानू तो फिर तुसी हुन बचना नहीं, समझ लग रही है, उत्थे उत्थे जाना है, तैनू नहीं पता मैं दसी है ना बटर चिकन, वो बटरफ्लाई चिकन पूरा चिकन होंगे इंज चीरे ला के खोल देने, फिर इंज कट लाते हैं तो नींबू तो मसाले लाते हैं, इंज कर देंगी मैं चीरे ला देने मैं मैं ईजी नहीं लाना तुम, समझ लग रही है, कहते हैं शरीफ जो शरीफ होंगे ना उन्हें शरीफ ही रहन दो बस, फिर दसागी मैं, ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़।